तो हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, कुछ टाइम पहले UK07 राइडर और जट प्रभजोत के बीच में कंट्रोवर्सी हो गई थी, मगर अभी तो दोनों के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट है। लेकिन कभी कभी दोनों ही एक दूसरे को अपनी वीडियोस में पोक कर ही देते हैं। तो यहाँ पर जट प्रभजोत का एक पॉडकास्ट आउट हुआ है एंटरटेनमेंट लाइट चैनल पर, जहाँ पर उन्होंने फिर से UK07 राइडर को पोक किया है। एंड गाइस, आप लोगों को पता होगा कि स्टार्टिंग के टाइम पर UK07 राइडर जट प्रभजोत को अपना गुरु मानते थे, तो उसी को लेकर जट प्रभजोत ने UK07 राइडर को इनडायरेक्ट वे में पोक किया है। तो कोई आज भी पूछता ना कि भाई आप किनको फॉलो करते हो और नंबर वन मोटर ब्लॉगर कौन आपके हिसाब से, तो हमारे हिसाब से यही है, ठीक है। चाहे आज हमारा नाम है, ठीक है, चाहे उनसे ज्यादा व्यूज आ रहे हो, चाहे उनसे ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हो, लेकिन गुरु इंसान का गुरु ही रहता है, ठीक है ना। अगर आप गुरु की जगह लेना चाहोगे कि भाई पहले वो गुरु था आज मैं हूँ, वो गलत हो जाता है। गुरु को गुरु मान के चलोगे ना तो आप बहुत आगे जाओगे, लेकिन आप ऐसे हो जाओगे ना भाई अब तो मैं हूँ, वो कौन है, तो वो चीज गलत हो जाती है। तो मेरे लिए तो यही है, एक निखिल हो गया। और बाकी गाइस, आप लोगों के इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, अपने ओपिनियन में कमेंट कर जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एल्विश यादव के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर एल्विश यादव अपने सब्सक्राइबर से काफी ज्यादा गुस्सा हुए पड़े हैं। तो कुछ दिन पहले एल्विश यादव के कुछ फैन उनसे घर पर मिलने आए थे, वो भी बिल्कुल गलत तरीके से, और उन सब्सक्राइबर के ऊपर एल्विश यादव काफी ज्यादा गुस्सा भी हो गए थे। यहाँ से पीछे से वो वाला गेट खोला, इधर से ये वाला गेट खोला और अंदर आ। क्या ये चीज जस्टिफाइड है? क्या मतलब मेरा कमरा जैसे मेरी प्राइवेसी है, क्या इसको आप जस्टिफाई कर सकते हो? अभी देखो गेट खुली रखा वाला है कि भाई कोई भी घर के अंदर आ सकता है, नहीं आ सकता ना। हजार बार भाई मैं पहले मना कर चुका, 2000 बार आज मना कर रहा हूँ। घर मत आया करो यार, है ना, 2 बजे खास कर, तो दोपहर में तो वैसे ही मत आया करो यार। एक पर्सनल लाइफ होती है इंसान की, मैं सो रहा था मस्त, टन 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 करके उठा दिया मैंने, चलो टन 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 टन, तो अलग चीज़ हो गई, अंदर घुसना इज डिफरेंट, ठीक है। तो उसको पता है मैंने उसके साथ क्या करा, बाकी कोई और मत करवाना अपने साथ ये चीज़, क्योंकि मैं करना चाहता नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगता भाई कि मैं किसी को कुछ भी बोलूँ गलत सलत उल्टा सीधा या समझाऊँ किसी प्रकार से, क्योंकि सबको पता होता है तुम्हारे घर भी तुम सो रहे हो, तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर में ऐसे थोड़ी। आप लोग एल्विश यादव के बारे में क्या कहना चाहते हो, उनके फैंस ने सही किया या गलत किया, अपने ओपिनियन हमें कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस, आप सबको पता होगा कि कैरी मिनाटी ने कुछ दिन पहले अपने चैनल पर एक रोस्टिंग वीडियो निकाला है, जहां पर उन्होंने बिग बॉस के कंटेस्टेंट को रोस्ट किया है। तो दोस्तों, यहां पर शालीन भानोट की तरफ से कैरी मिनाटी की रोस्टिंग वीडियो पर रिप्लाई आ चुका है, जहां पर उन्होंने कैरी को कहा है कि अगर लाइफ में आपको कोई मजाक उड़ा रहा है तो सोच लेना आप अच्छा कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। मैंने वीडियो देखा नहीं यार, लेकिन अच्छा है, जब आपको कोई मजाक उड़ा है तो ये समझना चाहिए कि आप जीवन में अच्छा कर रहे हो, कहीं अच्छा कर रहे हो कुछ, सो इट्स नाइस एंड आई डोंट कैरी एनी बैगेज। ओके गाइस, कैरी की रोस्टिंग वीडियो पर आप क्या कहना चाहते हो, अपने ओपिनियन में कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल ना भूलें।